यूट्यूब पे हम कोई अगर चीज़ सर्च करते हैं तो यहाँ पे हम, मैं आपको सर्च करके पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे जो भी ये सारी चीज़ें आपको दिख रहा है ना नीचे, पहले बिना सर्च किए ही जो आपको दिखते हैं, ये सारे सर्च हिस्ट्री होते हैं, ठीक है। और सर्च हिस्ट्री को हम कैसे डिलीट करते हैं वो इस वीडियो में जाने वाले हैं। और उससे पहले मैं आपको और भी चीज़ दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर बैक आऊँगा, बैक आने के बाद फिर से मैं यूट्यूब को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर यू वाले पर क्लिक करके यहाँ पर मैं आपको अपना हिस्ट्री दिखाना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पर हिस्ट्री वाले पर आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे हिस्ट्री में क्या क्या मैंने देखा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को भी हटाना चाहते हो तो भी आप इस वीडियो को पूरा कंटिन्यू देखिएगा, मैं आपको पूरा इजी तरीका बताने वाला हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं मनीष कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इन सब हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए आपको मैं शुरू से आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि हम अपना पहले यूट्यूब को बैकग्राउंड से यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया, फिर यहाँ से मैं YouTube ओपन करूँगा। अपना YouTube में ओपन कर लेता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा, ठीक है। पहले आप अपना YouTube को अपडेट कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आपके भी मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम दिखा सकता है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से आ चुके हैं अपने डिस्प्ले पे। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे यू वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारे आपको हिस्ट्री दिख जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जितने भी ये आपका जो जो आपने वीडियो को प्ले किया होगा वो सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, और यहाँ पे शॉर्ट वाले ये सारे आपको वीडियो दिख जाएंगे जो आपने पहले देखा होगा। हमको ये सब हिस्ट्री को हटाना है कि ताकि कि कोई भी देख ना पाए कि हमने क्या क्या वीडियो को देखा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लियर ऑल वॉच हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे इस पर आप क्लिक करोगे तो ये आपका यहाँ से पूरा, यहाँ पे क्लियर वॉच हिस्ट्री पे आप क्लिक कर दोगे तो ये आपका पूरा हिस्ट्री यहां से डिलीट हो जाएगा। देख सकते हो कुछ इस प्रकार से ये आपका हिस्ट्री डिलीट हो चुका है। दिस लिस्ट हैज नॉट वीडियो, ठीक है, ये यहां पे आपका हिस्ट्री नहीं दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे आप, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। पहले यहां पे सर्च वाले पे क्लिक करेंगे और यहां पे सर्च में तो वो सारे हिस्ट्री दिखा रहे हैं, लेकिन हम वीडियो में आएंगे। यहां से मैं आपको हिस्ट्री में दिखाऊंगा व्यू वाले पे, तो यहां पे देख सकते हो कि मेरे हिस्ट्री में एक भी वीडियो नहीं है। तो इस प्रकार से आप हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हो अपने वीडियो वाले को। अब हमको सर्च हिस्ट्री को डिलीट करना है, उसके लिए आपको क्या करना होगा कि यहां पे थ्री डॉट पे क्लिक करना है। यहां पे मैनेज ऑल हिस्ट्री का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको उस ईमेल से लॉगिन कर लेना है जिस ईमेल का आप हिस्ट्री को डिलीट करना चाहते हैं, जिस ईमेल से आपका यूट्यूब चैनल है। तो मैं यहाँ वाले अपना ईमेल को सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे कुछ इंटरफेस आपके सामने, थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर आपका नेट फास्ट है तो ओपन हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, आप भी वेट कर सकते हैं अगर आपका टाइम लग रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये आ चुका है, यहाँ पे आपको सारी हिस्ट्री दिख जाएंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं ऑटो डिलीट का भी ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पे सेव योर यूट्यूब हिस्ट्री का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो भी हमने सर्च किया है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो हमको डिलीट करने के लिए यहाँ पे हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट ऑल टाइम, अगर आप चाहते हो कि पूरा डिलीट करें तो वो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे डिलीट कस्टमाइज रैम का ऑप्शन भी कर सकते हो, नहीं तो आप डिलीट टुडे का, अगर आपने आज का जो सर्च किया है वो डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे क्लिक कर सकते हो। तो हमको ऑल टाइम डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट ऑल टाइम पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, फिर यहाँ पे डिलीट वाले पे क्लिक कर देना होगा और आपका हिस्ट्री पूरा डिलीट हो जाएगा। फिर यहाँ से आपको गॉट्स इट पे क्लिक कर देना है और आपका पूरा हिस्ट्री यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। मैं आपको अपने YouTube में भी जाकर दिखा देता हूँ। मैं अपना YouTube ओपन करूँगा तो यहाँ से मैं बैक आऊँगा, पहले तो पहले आ गया मैं, और यहाँ पे मैं आपको सर्च लिस्ट में जाकर दिखा देता हूँ। यहाँ से जैसे कि हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक भी मेरा सर्च हिस्ट्री नहीं दिखा रहा है। तो कुछ इस प्रकार से आप इस सर्च हिस्ट्री को हटा सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर आप ऐसे ही और भी वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।